नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। मैं प्रियंका चिलवाल अपने प्रिया उत्तराखंडी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। आज मैं राखी का हॉल लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि राखी में हर साल जो राखी होती है वो राखियाँ कैसी आती है। स्टोन होता है उनमें, कहते हैं जो स्टोन वाली राखियाँ होती हैं, हमने हमेशा बचपन से लेके आज तक हमने ऐसी राखी देखी जिनमें स्टोन है, प्लास्टिक है, बच्चों के प्लास्टिक है, इस टाइप की। लेकिन उससे होता क्या है, हमारी जो इन्वायरमेंट है उसको बहुत नुकसान पहुँचता है। और वो जो स्टोन होता है, जो प्लास्टिक होता है, वो डिकम्पोज होने में आप सभी को पता है कि बहुत बहुत साल लगते हैं, और इतने साल लगते हैं, और हर साल राखी आती है और उतना ही वेस्ट फिर से जनरेट हो जाता है। तो अब वो डिकम्पोज नहीं हो पाता, तो हमारी जो मदरलैंड है उसे भी काफ़ी नुकसान पहुंचता है, और फिर हमारे जो पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, उसको काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, और जो हमारी भूमि है वो बंजर होने लग जाती है। तो उसके लिए मैंने ऑनलाइन में देख ली थी राखी, लेकिन उसमें मुझे एक अच्छा वो दिखा कि एक सीड राखी करके बहुत अच्छा ऑप्शन था। सीड राखी में मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने जो परचेजिंग करी थी ऑनलाइन शॉपिंग की, वो इस तरीके से है। हमसे ऑनलाइन शॉपिंग करी है वो इस तरीके से, ये तीन राखियाँ आई हैं इसमें, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। इसके बीच में जो है वो सीड है, सीड है। अगर ये बाई चांस कभी बाई चांस क्या, वो राखी होने के बाद हर कोई राखी फेंक ही देता है, अगर आप इसको कहीं मिट्टी के नीचे दबा दोगे तो ये ग्रो करके आएगा कुछ, या फ्लावर या कुछ निकलेगा इससे। ये है कि हमारी जो लैंड है उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा, और ये आसानी से डिकम्पोज हो जाएगा। इस ये तीन राखियाँ हैं इसमें, और इसमें ये मिला हुआ है किसी लड़के लिए जो भाई को लगाते हैं। तो ये मुझे पड़ा है 347 के समथिंग। और एक एरिया है इसमें, ये जो ब्रांड है शायद सीड राखी का कुछ ब्रांड है, ये भी मैंने ऑनलाइन परचेसिंग की है। इसमें एक इन्होंने ये पॉट दिया हुआ है, ये भी आपकी गत्ते से बना हुआ है शायद, और इसमें एक सॉइल है, इसमें सॉइल है, और डायरी है, एक डायरी के साथ एक पेन दिया हुआ है इन्होंने। ये पूरी थ्रेड से बनी हुई है, इसके बीच में ये देख सकते हैं आप, इधर और इधर इन्होंने सीड दिए हुए हैं। अगर इसे हम इस फ्लावर पॉट में बाद में भाई लोग उतार देते हैं राखी को, झड़ ना फेंक के इसमें डाल के वो ग्रो कर जाए, इससे भी हमारा एनवायरनमेंट बचाया जा सकता है। ये बहुत मुझे बहुत अच्छा आइडिया लगा, लेकिन ये जो इसका प्राइस है वो है 799 समथिंग, लेकिन अब हर किसी के बस की बात नहीं है कि इतना कॉस्टली कोई खरीदे। तो उसके लिए मैंने एक थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम घर में भी राखी बना सकते हैं आसानी से। देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो लिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ये और ये जो मौली है, मौली या कलावा भी बोलते हैं, तो इस कलावे को हम सभी जगह मिल जाता है, ये हिंदुओं के घर में कहते हैं हम पूजा पाठ में यूज होता है, तो ये बच ही जाता है, तो हम इसको आसानी से यूज भी कर सकते हैं। तो हम इसके साथ राखी बनाते हैं, इसको ऐसे रैप करेंगे इस बिंदी के पैकेट के ऊपर, 20 या 22.5 टाइम्स सब कर सकते हैं। Thank you.
सेंटर में हम इसे बांध देंगे। यहाँ से राउंड हुआ है, हम इसको इनको कट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से। देख सकते हैं हम ऐसी की राखी हो गई है। अब इसे हम कॉम की मदद से, कंघी की मदद से हम ऐसे थोड़ा सा फैला लेंगे, उसमें फैल जाए। अब ये थोड़ा सा इसका साइज अच्छे से गोल नहीं आया, उसको हम अच्छे से कट कर देंगे। रखा हुआ है ऐसे ही, हम एक पेपर साइज काट लेंगे गोल। बस बीज तो बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए हम घर में कैसे बना सकते हैं, तो मेरे पास थोड़े धनिया के बीज पड़े हुए हैं, तो मैं दिखा रही हूँ आपको धनिया के बीज से हम कैसे सुंदर सी राखी बना सकते हैं, ताकि हमें बाद में धनिया खाने को भी मिल जाए। सेंटर में हमने फेविकॉल लगा दिया है, उसके बाद हमने इसमें धनिया की सीड्स ऐसे रख दिए। आप चाहें तो कोई और सीड भी यूज कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, या फ्लावर्स के आपको मिल जाएंगे। 10 रुपीज का पूरा एक पैकेट आ जाता है, उसमें बहुत सारे सीड्स आ जाते हैं फ्लावर्स के, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास अभी घर पे अवेलेबल नहीं था, तो सिर्फ मुझे दिखाने के लिए आपको कैसे आप बना सकते हैं और कैसे हमारा इन्वायरमेंट ये इससे बच सकता है, हमारी छोटी सी कोशिश से। अगर सभी ऐसी कोशिश करेंगे धीरे धीरे, थोड़ी थोड़ी कोशिश भी अगर सब लोग करेंगे, तो शायद हमारी पूरा जो हमारा लैंड है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, वो बहुत सुंदर हो जाएगा और हर जगह प्लांट्स ही प्लांट्स और कहते हैं प्लांट ही प्लांट्स दिखेंगे। और इससे हम अपनी शायद थोड़ा सा हम अपने जो भाई बहन के प्यार को तो हम बढ़ाएंगे ही, और उसके बाद शायद हम अपनी प्रकृति के प्रेम को भी दिखा सकते हैं कि हमारे हम भी प्रकृति से प्रेम करते हैं, और आगे भविष्य में हमारे बच्चे भी शायद हमें देख के कुछ सीखें। तो ये देखिए एक राखी मैंने ये बनाई है, ये राखी एक राखी ये बन गई, एक राखी और दिखाती हूँ। एक मैं दूसरा तरीका बता रही हूँ जो शायद बच्चों को बहुत पसंद आएगी ये राखी।
इसमें अगर सीड नहीं दिए तब भी चलेगा, क्योंकि ये टेटो बहुत जल्दी गल जाती है। ये फोक है और फोक में मैं ऐसे ही रोली को ऐसे लपेट रही हूँ। इसको भी हम 10 या 15 टाइम्स ऐसे रोल करेंगे, इसे लपेटेंगे। छोटा सा ही रोल का मैं कट कर दी ताकि इसे सेंटर में बांध सकूं। सेंटर में बांधते हैं। बात दिया है, देख सकते हैं आप, जो ये रोल हो रखा है अभी हम इसको काटेंगे। सुई में ये तागा डाले डाली रोली को डाल के हम इसके बीच से निकाल देंगे। सुंदर सी राखियाँ जो मैंने घर में तैयार करी है ऐसे तैयार हो गई है, और इससे हमारी इन्वायरमेंट को, हमारी प्रकृति को कोई नुकसान भी नहीं होगा, और हमारी राखी भी अच्छे से सेलिब्रेट हो जाएगी, और हमें कोई गिल्ट भी फील नहीं होगा कि हमने इतना सारा वेस्ट मटीरियल वो इकट्ठा कर दिया है, हमने जो भूमि है उसको बंजर कर दिया है। तो इसी के साथ मैं आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, मेरे जो हॉल है पसंद आया होगा। अगर आप ऑनलाइन अगर परचेस भी करना चाहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक आपको शेयर कर दूँगी, और अगर आप ऐसे बनाना चाहेंगे तो मैंने आपको दिखाई दिया, आप ऐसे भी आसानी से बना सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नए ब्लॉग के साथ, तब तक आप अपने घर में सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।